है चाइल्ड सेक्स रेशो, और चाइल्ड का मतलब 0 से 6, उसमें भी बहुत गिरावट दर्ज की गई है जो 0 से 6 वाला है। ये जो था ना ये एडल्ट सेक्स रेशो है 940, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसमें गिरावट। और याद रखिए जो चाइल्ड सेक्स रेशो होता है ना वही चाइल्ड सेक्स रेशो आगे चलकर एडल्ट सेक्स रेशो बनता है। तो किसी भी कंट्री के लिए ये चाइल्ड सेक्स रेशो को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में वही एडल्ट सेक्स रेशो बदलेगा। अगर ऐसा होता है किसी कंट्री का या किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन का सेक्स रेशो गड़बड़ाता है तो भाई साहब वो पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। क्यों सरकार को इतनी चिंता है, क्यों ये बात की जा रही है, मैं आपको 2-3 बातें बोलूंगा जल्दी से। एक बहुत बड़ा जो कारण है इस सेक्स रेशो के गड़बड़ाने का वो है फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड क्या जा रहा है? और देखिए फीमेल फिटिसाइड का कारण क्या है, तो लोग बड़े मूर्खों की तरह बातें करते हैं। मतलब मैंने देखा है भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं, लोग क्या आप ही मतलब भारत में फीमेल फिटिसाइड है, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फीमेल फिटिसाइड किया जा रहा है, कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। तो मैं पूछता हूँ कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जा रही है, तो लोग जवाब देते हैं भाई सबसे पता कि माँ बाप को दहेज की चिंता होती है। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं, बता दो आप फीमेल फिटिसाइड का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये दहेज नहीं है, ठीक है ना। और दहेज वैसे तो बदलता रहता है भाई साहब, ये और बता दूं मैं आपको, चिंता मत करो आप इस स्थिति में आ चुके हो। अब तक तो लड़की वाले दहेज देते थे लेकिन अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अब जो है वो लड़के वाले दहेज देंगे, ये और बता दूं, ठीक है ना। ये पहले ऐसे होता था, पहले लड़के वाले दहेज देते थे, ब्याह करते थे, और अब स्थिति वापस वही आ चुकी है। बीच में चला गया दौर कि अब लड़की वालों को दहेज देना पड़ा, अब समय वही आ गया वापस कि अब लड़के वाले दहेज देंगे, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। पूछ लो तुम, पूछ लो तुम, पूछ लो तुम्हारे घर में पूछ लेना, चुपचाप दे देते हैं भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चुपचाप दे देते। क्यों लड़कियाँ नहीं मिली ना, मिली नहीं ना लड़कियाँ, लड़कियाँ कम हो चुकी है, तो बस चलाना है, परिवार चलाना है, तो दे देते हैं। ये जो अग्रवाल साहब है ना, अग्रवाल साहब आपके यहाँ बहुत समस्या है, अग्रवाल साहब की तो बहुत ही समस्या है, सच बता रहा हूँ मैं, बताते नहीं है लेकिन रियलिटी ये है और ये हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लड़कियाँ कम हो रही है, लड़कियाँ कम हो रही है। रही बात फीमेल फिटिसाइड, दहेज कैसे को लेना चाहिए, फीमेल फिटिसाइड का सबसे बड़ा कारण ये है आज के समय में लड़कियाँ जो है वह सेफ नहीं है, माँ बाप को सारी जिंदगी उनकी चिंता रहती है, और उसके लिए जिम्मेदार है हम जैसे लोग। और हम कितने टुच्चे लोग हैं भाई साहब, हम इतने दोगले लोग हैं, इतने टुच्चे लोग हैं ना, कुछ इतने टुच्चे लोग हैं हम, क्या बताऊँगा आप। मेरी बहन और दूसरे की बहन कुछ नहीं, मतलब हम लोग बहुत डबल स्टैंडर्ड लोग, और लड़कियों के साथ व्यवहार के मामले में तो हम लोग बहुत ही डबल स्टैंडर्ड लोग, बहुत ही डबल स्टैंडर्ड, सीरियसली मतलब इतने डबल स्टैंडर्ड हैं कि पूछो, मतलब पाखंड हमें कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, हर चीज़ में हमें डबल स्टैंडर्ड। और ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इस वजह से हमारी सोसाइटी में लड़कियाँ सेफ नहीं, मतलब हम उस तरह के लोग हैं कि चार जने बैठे हमें थ्री पर कोई लड़की जा रही है तो हम सीटी बजाने में देने लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर यही हरकत किसी दूसरे ने आपकी बहन के साथ करते हैं तो आप उसे लड़ने चले जाएंगे। लड़कियों को हमने बांध के रखा हुआ है, ये पहनेगी, ये नहीं पहनेगी, ये खाएगी, ये नहीं खाएगी, ये पिएगी, ये नहीं पिएगी, और इतना इतना ज़्यादा कि पूछेगा, और यही सब समाज में बिकते रहता है। और देखो लड़कियाँ नहीं रहेंगी ना, तो भाई साहब आने वाले समय में निपटने वाले, ये लिख के ले लो, जिन समाज में ये स्थिति ऐसी बुरी स्थिति होगी भाई साहब पूछो मत। और इस चाइल्ड सेक्स रेशो को गड़बड़ाने में समाज की मानसिकता के साथ साथ ये जो ये एक या दो बच्चे की बात की, देखो मैं इकोलॉजी पढ़ाता हूँ भाई साहब, तो मैं इकोलॉजी भाषा में बात कर रहा हूँ, ये वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, इनका भी बड़ा रोल है, ये वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, इनका भी बड़ा रोल है। आपको वैसा वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी में क्या रोल है, फीमेल फिटिसाइड में ये कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी। आपको शायद पता नहीं होगा, चाइना में 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया चाइना ने, और भाई साहब चाइना का मामला आप जानते हो क्या होता है वहाँ, पता है उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया तो इतना स्ट्रिक्ट था कि भाई कोई दूसरा कोई महिला गर्भवती है दूसरा बच्चा है तो उसको जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करा।